हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स मी ट्रियो। तो तुम्हारी टीम में या फिर तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स या फिर ट्यूशन फ्रेंड या फिर बिल्डिंग वाले फ्रेंड्स, अगर जो भी कोई भी फ्रेंड है उसके अंदर तुम्हारा एक फ्रेंड हमेशा ऐसा एक जरूर रहेगा जो बड़ी बड़ी टिंगे मारता है, मेरे पापा के पास ये है, मेरे पापा के पास वो है, अरे बहुत माल है मेरे बाप के पास, मेरी माँ भी बहुत अमीर है तुम्हें क्या पता, अरे यार उसका बाप सचमुच अमीर है, थोड़ा बहुत मैं भी हूँ, वही बोल रहा बता कालू बता कितना अमीर हूँ मैं। यार मैं भी बहुत अमीर हूँ यार, तुम्हें नहीं पता मेरा बाप कितना अमीर था यार, बता यार कोई मतलब कुछ भी। कुछ ऐसे फ्रेंड जरूर होंगे। ऐसे हमारे फेवरेट एनिमेशन शो के अंदर डोरेमोन के अंदर एक कैरेक्टर है, ऑफकोर्स तुम लोग अब तक पहचान गए होगे, वो है सुनियो बेटा सुनियो। ओके, तो डोरेमोन के एनिमेशन के अंदर हमें ऑलमोस्ट बहुत कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, यहाँ तक सुनियो के कितने कज़न वज़न घर वो और सब दिखा दिया है, उसके दूर दूर के रिश्तेदार भी दिखा दिए, मेरे ख्याल से कज़न तो इतने दिखा दिए कि मतलब भाई मतलब उसकी फैमिली मेम्बर्स को हम जान ही गए ऑलमोस्ट, लेकिन आज तक ये नहीं पता है गुरु उसके पप्पा करते क्या हैं, क्या मतलब तुम्हें भी जानना है। तो ये वीडियो को एंड तक देखते रहना, ये वीडियो फुल एंटरटेनमेंट के लिए होने वाला है, बहुत सारी रिसर्च करने की कोशिश करूंगा, एंड सो कीप वॉचिंग, एट द एंड यू विल गेट द आंसर कि आखिर सुनियो का डैडी करता क्या था भाई। तो बेसिकली ये एडिटिंग थी, मैंने सचमुच टेक्स्ट कर दिया है, एंड लेट्स सी कब रिप्लाई आता है, और जब भी रिप्लाई आएगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट या फिर इंस्टाग्राम पे तुम्हें स्टोरी लगा के दिखा दूंगा, एंड इट वाज जस्ट फॉर फन। सो अगर तुम चाहते हो तो वाजिद हसन को जाके फॉलो भी कर सकते हो, जो बेसिकली सुनियो के वॉइस डबर हैं, एंड अगर तुम जा ही रहे हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए तो डोंट, मुझे भी कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दोनों जन का। सो लेट गेट फॉरवर्ड, जिसके लिए तुम कब से इंतजार कर रहे हो कि आखिर सुनियो के डैडी करते क्या है। सो वीडियो वॉचर्स, बात ऐसी है कि जो सुनियो के डैड है वो बेसिकली एक बिजनेसमैन है जिनका खुद का स्टूडियो है, इसलिए जब भी कोई बड़े स्टार या फिर कोई भी एड प्रमोशन या फिर कोई भी मूवी बीवी का शूट रहता रहेगा तो लोग स्टूडियो में जाते रहेंगे जहाँ सुनियो का डैड का खुद का स्टूडियो है, तो वहीं पर स्टार आते रहते, तो इसलिए सुनियो मिलता रहता है, एंड वो बहुत रिच भी इसीलिए, ये भी बात तो सही है। लेकिन गुरु देखो वो बेसिकली बिजनेसमैन है, स्टूडियो वो है वो अलग बात है, जो रिच लोग रहते हैं बेसिकली वो एक जगह से कभी भी अर्न नहीं करते, जैसे कि तुम्हारे डैड मेरे डैड, ये कैसे हमारे एक पर्सनल एक शॉप रहता है या फिर कोई जॉब रहती गवर्नमेंट की या फिर प्राइवेट जॉब करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक अर्निंग सोर्स पे डिपेंड रहते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन रहते हैं वो मल्टीपल सोर्सेज पे डिपेंड रहना पसंद करते हैं, और ये अच्छी बात है। तुम्हें भी ज़िंदगी में अगर सक्सेस होना है तो तुम भी मल्टीपल प्लेसेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जहाँ से तुम्हें अच्छी खासी अर्निंग मिलेगी। तो जो उसके डैड है वो स्टूडियो तो चलाते हैं, साथ में उनने बहुत जगह इन्वेस्टमेंट भी करके रखी रहेगी, और बहुत सारे उनके खुद के बिजनेस होंगे छोटे मोटे जहाँ पे उनने हाथ पैर घुमाया ही होगा, जहाँ से तो उनकी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और ऐसे भी सुनियो के जितने कज़न वज़न और पूरा जो खानदान है रिच डूड, तो ये जो माइंडसेट है ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से सुनियो की पूरी फैमिली में चल रहा है। तो तुमने जो लोग पास्ट में जाते तो वहाँ पे तुमने देखा रहेगा जो सुनियो के ग्रैंडपा है या फिर जो भी है वो कैसे स्टार्टिंग से ही अमीर है डूड, इट्स नॉट अबाउट कि उसके सुनियो के डैडी सिर्फ अमीर है, नहीं वो स्टार्टिंग से ही अमीर है। एंड तुम्हें पता है अगर तुम्हारी फैमिली पहले की अमीर है तो ये पास थ्रू होता है, मेनली रेयर केसेस में क्या होता है कि तुम बाई चांस गरीब हो जाते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो माइंडसेट है तो वो अमीर हो सकते हो, तो इसलिए मनी टेम्प्ररी है, लेकिन जो तुम माइंडसेट बनाओगे तो तुम इजीली सक्सेस हो जाओगे। तो सुनियो के डैड से तुम ये सीख सकते हो कि लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि तुम्हारे पास वो माइंडसेट होना चाहिए, एंड दिस वॉज द मेन आंसर कि जो सुनियो के डैड है बेसिकली एक बिजनेसमैन है। ओके, आई होप कि तुम्हें फाइनली आंसर मिल गया रहेगा जो तुम हमेशा से सोचा करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेसिकली एंटरटेनमेंट के लिए था। अगर तुम नए कोई व्यूअर देख रहे हो तो मेक श्योर टू चेक आउट माय ओल्ड वीडियो, जहाँ पे तुम एकदम कमाल के वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पे इससे भी अच्छे अच्छे मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन करके रखा और चीज़ों के बारे में मैंने टॉक किया और एंटरटेनमेंट करके रखा वीडियो के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। यार जाने से पहले यही बोल दो, हिट कर दो और कमेंट करो कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ अपने चैनल पर, अब जैसे कि तुम लोग देख सकते हो।